जहां उपाय योजना करने की मांग। तुमसर वर्तमान में शहर से मच्छरों की संख्या में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके कारण डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों ने तेजी से अपने पाँव पसारना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में शहर सेवा दल अध्यक्ष नीरज गौर द्वारा जिलाधिकारी एवं नगर परिषद प्रशासन से शहर में तत्काल फॉगिंग शुरू कर नागरिकों को राहत दिलाने की मांग की गई है। जहां बंद पड़ी है फॉगिंग की मशीनें, इसकी जानकारी नगर परिषद और प्रशासन को है, किंतु उनके द्वारा अनदेखी करने से नागरिकों को डेंगू से सामना करना पड़ रहा है। तुमसर में 10 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, ग्रामीणों ने टायर जलाकर किया विरोध। तुमसर क्षेत्र के सालई खुद गांव में गत संपत ग्रामीणों ने टायर जलाकर बिजली विभाग का निषेध व्यक्त किया है। सालई खुद के गत 10 दिनों से बिजली विभाग की डीपी बंद होने से ग्रामीणों को अंधेरे में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों में रोष का वातावरण निर्माण हो चुका है। ग्रामीणों ने अधिकारी एवं कर्मचारी को सूचना देने के बावजूद भी अनदेखी करने से उन्होंने टायर जलाकर रोष व्यक्त किया है। विष बाधा से एक की हुई मौत। गोंदिया आमगांव थाने के तहत पदमपुर निवासी राजाराम बहेकार 52 वर्ष की मौत हो चुकी है। कीटनाशक का छिड़काव करते समय विष बाधा होने से जहां उपचार के दौरान मौत हो चुकी है, और जहां दूसरी ओर ग्राम पंचायत कार्यालय की चोरी की गई है। गोंदिया तिरोड़ा थाने के तहत ग्राम पंचायत मोरगांव के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर कंप्यूटर कक्ष से माइक्रोटेक्स कंपनी का इन्वर्टर, 2 बैटरियां, एचपी कंपनी का प्रिंटर, कुल मिलाकर 41,000 रुपए की सामग्री चोरी हो चुकी है। गोरेगांव निवासी योगेश्वर डोंगरे ने यह शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। साथ ही लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।